अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जो बहन भाई हमारे दुख तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ को दूर करे। तो जी, ऊपर छत की सफाई करके आ गई थी पौधों में पानी देकर, फिर यहाँ आकर नीचे चाय पराठा बनाया है, जो कि हम लोगों ने नाश्ता किया है, मतलब कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ बातें करी थी। फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि सॉन्ग की आवाज़ आ जाएगी इसमें, क्योंकि जो नवरात्रि चल रही है ना, तो दिन में नाइट में सॉन्ग बजते रहते हैं, जो कि हमारे चैनल के लिए भाई मुश्किल है ये चीज़। और अल्लाह जाने कोई कॉपीराइट मसला वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वीडियो की स्टार्ट में मैं छत पर थी तब भी आवाज़ आ रही थी। खैर, अल्लाह खैर करे जी। तो नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ खाना पका रहे थे, और ये जो चिकन है तो हमें तो मतलब मैंने तो नहीं ख़रीदा है, ये हमें मिला है, हमारे रिश्तेदार ने दिए थे, तो ये अच्छा खासा था, 1.25 किलो के करीब होगा। तो आधा तो पका रही हूँ अभी, आधा बाद में देखेंगे कुछ करेंगे। तो सालन वगैरह तो खैर बनते ही रहता है। बच्चे कहने लगे मम्मी पुलाव बना लो, तो मैं पुलाव ही बना रही थी। तो पुलाव की रेसिपी तो कई दफ़ा दी हुई है, फिर भी थोड़ा बहुत शेयर कर ही रही हूँ। पुलाव पकड़ा हमारा, हमारी सीटी देखें, इतने सारे बर्तन साफ कर लिए, तगाड़ी भर के बर्तन किया है इसने साफ। मौसम अच्छा है, और ये अभी हमारा ये सामान रखा है, ये बोरियां रखी, क्योंकि अभी हमें जाना है सरकारी राशन की दुकान पर। आज कितनी तारीख हो गई बेटा, 5 है कि 6 तारीख हो गई? 5 या 6 है आज। तो 2 दिन से तो राशन की दुकान खुली नहीं है, आज खुलेगी। तो किट्टू और मैं जाएंगे, सॉरी सानू और मैं जाएंगे। सानू अभी यहीं पर उसकी साइकिल का काम कर रहा था। ये चटनी बनाए हैं, थोड़ी सी पत्तियाँ निकली छत पर, तो चले काम चला हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी चटनी बन गई है, क्योंकि छत पर थोड़ा सा पुदीना निकल गया था, बाकी ख़राब हो रहे, कीड़े लग गए हैं उसमें, पत्तियाँ मोड़ रही हैं, मतलब थोड़ा बहुत छाट कर ले आई थी, हरे धनिया के साथ बना ली थोड़ी सी चटनी, जो कि हमारे खाने में हो गई थी। बच्चे भी कहने लगे अम्मी खा लो चावल, तो चावल का ऐसे गर्म होते हैं तो अच्छा लगता है, ठंडे हो जाते फिर मज़ा नहीं आता। और आजकल के मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, खाने में दिल नहीं लग रहा है, खाना ही नहीं खिला रहा, क्या करूँ मैं, इसलिए बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, जितना होगा उतना खाएंगे। बच्चे चले गए थे स्कूल, लास्ट में मेरा काम था बर्तन साफ़ करने का, जो कर ली हूँ। और फिर पूरा दिन ऐसा है कि भाई मैं होती हूँ, घर के काम होते हैं, बच्चे तो चले जाते हैं पढ़ने। हमने गेहूँ लेकर आए थे ना राशन की दुकान से, किसान उसके कहते बेटा वीडियो बना ले बाहर का, तो वो तो तैयार नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। गेहूँ साफ़ किए मैंने, लहसुन भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म ही हो रहा था जी। तो इस तरह मेरे घर के काम हो जाते हैं, तकलीफ़ हो कुछ भी हो, घर के तो काम करने ही होते हैं जी हम लेडीज़ों को। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।